हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट तो है ही आपको नए नए ट्विस्ट देने के लिए। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपके कुछ खास शो की। वो है आपका अनुपमा, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। एक कहानी को लेकर नहीं, चार चार कहानी साथ में लेकर चल रहा है भाई। किंजल और तोशु की कहानी, जहाँ पे जो है तोशु जो है अभी पुलिस की हिरासत से सिर्फ जमानत पर वापस आ गया है, या जो भी है छूट गया है गुंडों के पैसे देने हैं। उधर जो है अनुपमा की बेटी पाखी का ड्रामा चल रहा है भाई, वो जो है फॉरेन में शिफ्ट होना चाहती है। उधर डिम्पी का ट्रैक चल रहा है, वो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। उधर वनराज है कि जो है अपनी गरीबी को छुपाते हुए अपनी जो है प्रोग्रेस ना होने पर कुछ और षड्यंत्र रचते हुए नजर आएगा। उधर आपका अनुज है जो श्रुति के साथ शादी के बंधन में बंधने वाला है। उधर बेचारी सबसे बड़ी अनुपमा है, जो कि कंपटीशन में भी पार्ट लेगी, अपनी छोटी अनु के मन में से जो जहर भरा है उसे भी निकालेगी। भाई प्रोमो तो यही है भाई, इतनी जब साथ में किंजल को भी संभालेगी, डिम्पी को भी संभालेगी, पाकी की बुद्धि भी ठिकाने पे लगाएगी, बापूजी और दादी माँ सासू माँ को भी संभालेगी, वनराज को लेक्चर भी देगी, उधर जो है अपनी सोतन को भी देखेगी, उधर जो है अनुज की शादी में शामिल भी होगी, उधर जो है छोटी अन्नू की जिम्मेदारी भी लेगी, उधर जो है कॉम्पिटिशन भी करेगी। तो भैया एक औरत ही है, मानते हैं कि एक औरत के अंदर देवी होती है, अन्नपूर्णा होती है, उसके चार हाथ होते हैं, वो इधर भी काम कर लेती है उधर भी कर लेती है। हाँ सही बात है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, और जब मेरे ही बच्चा या मेरा पति काम करे तो भैया वो तो एक प्याज काटते रहेंगे, हम इधर एक प्याज काटेंगे, छोका लगाएंगे, इतने देर में बर्तन धोएंगे, ये करेंगे। तो हमारे चार हाथ हैं कि चार दिमाग है हमारे, चलते हैं चारों तरफ, इसीलिए तो औरत को कहा गया है भाई औरत के तो चार हाथ है, तो इसीलिए। लेकिन भाई चलिए जो भी तुम समझो, लेकिन उसी के बीच में उन चार हाथों में से अगर एक हाथ टूट जाए तो क्या होगा, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब बेचारी अनुपमा का एक्सीडेंट होगा, उसका हाथ टूट जाएगा, और कॉम्पिटिशन भी उसके हाथ का ही है, डांस का कॉम्पिटिशन नहीं है। डांस का होता तो पैर तोड़ते, किचन का काम है, किचन के काम में तो हाथ जरूर चाहिए, अब हाथ टूट गया है। बेचारी का सपना कैसे पूरा होगा, कंपटीशन कैसे जीतेगी, एक हाथ से काम करेगी, क्योंकि वो अन्नपूर्णा अनुपमा है, वो कर सकती है, वो आज के लोगों को बताएगी देखो ऐसी होती हैं औरतें। फिर आदमी भी कहेंगे अरे तेरे हाथ में ऐसी लहर निकल रही है, उसका देख हाथ टूटा हुआ तब भी एक हाथ से काम कर रही है। अब औरतें कहेंगी अनुपमा महादेवी आप महान हो, प्लीज़ हमारे घर को सुरक्षित रहने दो। अब सोचिए एक हाथ से यार, इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन में एक हाथ से अनुपमा जीत जाए, हो सकता है भाई ये सीरियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों हाथ टूट जाएंगे तो भी जो है मुंह से फूंक मार के जो है खाने को इधर से उधर उड़ा के बना देंगे, सीरियल है ना ये, रातों रात तो 20 साल का लीप आ जाता है, तब तक हम बालों में डाई भी नहीं कर पाते, इनके 20 साल का लीप भी आ जाता है। चलिए तो फिलहाल अब जा देखिए अनुपमा एक हाथ से खाना कैसे बनाती है, अगर सीख जाओगे तो मुझे भी बता देना ताकि मैं भी कुछ प्रैक्टिस कर लूँ।